लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मामला कालपी नगर के मोहल्ला कागजीपुरा पचपिंडा देवी रोड का है, जहां यमुना नदी जैसे ही खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। कालपी नगर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित मोहल्लों में से एक मोहल्ला कागजीपुरा है, जहां सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। नगरपालिका प्रशासन कालपी नाव के जरिए लोगों को भोजन की व्यवस्था और पीने योग्य पानी पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। R9 भारत से जिला संवाददाता उरई जालौन। आज हम आए हुए हैं कालपी के मोहल्ला कागजीपुरा पचपिंडा देवी, जहाँ आप देख सकते हैं बाढ़ के हालात नहीं कह सकते, यहाँ बाढ़ आई हुई है। उसकी वजह है पूर्व 3 दिनों से यमुना जी में खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है, क्योंकि राजस्थान कोटा बैराज में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया लगातार बारिश के कारण। उस वजह से यहाँ पे कालपी के जो नगर के कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी बाढ़ का माहौल बना हुआ है। बाढ़ का माहौल क्या बना हुआ है, बाढ़ सी आई हुई है, यहाँ के हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, कैमरामैन साथी से अनुरोध है, ये दिखाइए, देखिए नाव। नगर पालिका प्रशासन से नाव का प्रबंध किया गया है। अभी अभी हमारी नगर पालिका के कर्मचारी से बात हुई है कि उन्होंने खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा है, अभी अभी मंगाया है, और जो भी बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। आइए हम चलते कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, क्या समस्या आ रही है बाढ़ आने से? समस्या बहुत तगड़ी है, सभी घरों में पानी घुसा हुआ है। और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? खाने पीने सर, नगर पालिका के द्वारा कोई व्यवस्था की गई अभी तक? की जा रही है जी। भैया आपका नाम? जी विजय कुमार जी, क्या नगर पालिका के द्वारा कुछ व्यवस्था की जा रही है? अभी कुछ नहीं, नाव अभी सिर्फ नाव मंगाई गई है। और क्या कुछ लोग फंसे भी हुए हैं यहाँ पे? और फंसे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन साथी से दिखाएं। घर डूब गए हैं, उनको पानी पीने की समस्या, खाने पीने की समस्या, सभी चीज़ों की समस्या है, खाने पीने से लेकर खाने पीने के लिए सभी समस्या। लोग बाग सब छत में चढ़े हुए हैं, दिखा सकते हैं कैमरामैन साथी से, ये सारे घर जगमगन है। आप समझ सकते हैं यहाँ की दैनिक दिनचर्या कैसी चल रही होगी और कितनी ही गंभीर परिस्थितियों में ये परिवार जूझ रहे हैं। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, नाव आ चुकी है, नाव से सभी जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की जद्दोजहद चल रही है। R9 भारत से प्रशांत शुक्ला, काल